मैं शिवरी चौधरी 125 कैंट विधानसभा प्रत्याशी आम आदमी पार्टी। 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, 5,000 रुपए प्रति माह युवाओं को देंगे, और अगर महिलाओं की बात करें तो 1,000 रुपए प्रति माह हम गृहणियों को देंगे। टाइम आए, मेरा नाम है नाजरीन। कौन था, कहां की पुलिस थी? थाना दुरनिया की और झारखंड की। घर में फर्स्ट टाइम आई तो उन्होंने मुझसे मालूम करा कि मोबिन कहाँ है, तो हमने कहा कि नहीं है। उन्होंने इतना मालूम करने के बाद में वो चले गए। दूसरी बार में आए तो मैं खाना खा रही थी, खाना और मेरी सिस्टर जो थी तो वो लेटी हुई थी रूम में, तो उसमें लग गया टाइम आने में। अंदर दरवाजे से ऊपर तक जाने में टाइम लगता है। जब मैं नीचे उतर के आई तो मैंने गेट ऑन किया तो उन्होंने मुझे बाल पकड़ के मार के वहीं गिरा दिए। कहा कि इतना टाइम लगता है और गाली गंदी गंदी देने लगे मुझे गालियाँ देने के। जी ये लोग थे सब झारखंड के और थाना दोरनिया के। जी कौन थे ये लोग? ये लोग तो मतलब मुझे इतना ये सब नाजरीन मामला ये था कि फर्स्ट टाइम आया तो इन्होंने मोबिन को मालूम करा, तो हमने कहा कि मोबिन घर पे नहीं है, ये चले गए। दूसरी बार में आए तो मैं खाना खा रही थी, खाना खाने के बाद में जब मैं नीचे उतर के आई तो मैंने गेट खोला तो कहा गंदी गंदी गालियाँ दे के कि इतनी देर लगती है गेट खोलने में, और इन्होंने मेरे बाल पकड़ के वहीं गिरा दिया। गिराने के बाद में मेरी दो सिस्टर जो थी वो रूम में लेटी हुई थी, तो उनको बाहर को निकाल के लेके आए और कहा कि उनको बाहर को खींच के लेके आओ। गंदी गंदी गालियाँ देने लगे और मुँह पर चाटे मारे, और ये मेरे चोट भी बहुत गहरी पहुँचाई है, और मेरी कोख में लात मारी जिसकी वजह से मैं पूरी रात नहीं सो पाई। ये सब पुलिस थी, ये सब थाना दोरनिया और झारखंड की थी। इन लोगों ने सबने मिल के हम क्यों आई थी? ये मतलब मोहम्मद मोबिन के मैटर में आई थी। आप लोगों ने? वो मेरे बड़े भाई हैं। उन मामला ये है कि उनके नाम में गाड़ी है तो उसके ड्राइवर के द्वारा कोई घटना हुई होगी, एक्सीडेंट। उन्होंने आके बोला था कि एक्सीडेंट हुआ है फर्स्ट टाइम, और मतलब जब हमने मालूम करा कि उन्होंने क्राइम क्या किया है तो उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया हमें। क्राइम कुछ भी नहीं बताया और इतनी बेइज्जती करके गए और कहा कि इनको तो सबको मारो यहीं पर रोड पर लाकर, इनको खींच के बाहर को लेके आओ और इनकी बेइज्जती करके मारो, तब ये बताएंगे कि मोहम्मद मोबिन कहाँ पे है। किन-किन को मारा आपने? मेरी एक बड़ी सिस्टर है मुझसे और एक मुझसे छोटी सिस्टर है, तीनों लोगों को इन्होंने मारा है। कितने पुलिस वाले थे? पुलिस वाले लगभग 10-15 थे, सब ने घर में घुस के ही मारा तीनों सिस्टरों को। सब वर्दी में थे। लोगों के नाम पता है आपको? नहीं। कहाँ की पुलिस थी? ये झारखंड दोरनिया। आप कहाँ रहने वाली हैं? रिच्छा। थाना कौन सा लगता है आपका? थाना दोरनिया। अब आप एसएसपी के आगे क्या कहने आएंगे? न्याय के लिए आए हैं कि मतलब मेरे घर पे मेरे पापा भी नहीं थे, मेरे भाई भी नहीं थे, और मेरी माँ का इंतकाल हो गया। इन लोगों ने हमें तीनों बहनों को मारा, बहुत बेइज्जती कर करके मारा था, जिसकी वजह से हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ा। माँ थाने गई थी? नहीं, थाने नहीं पहुँच पाया, डायरेक्ट यहाँ पे आके हमें न्याय चाहिए कि आखिरकार मतलब जिसने क्राइम किया था आप उसको पकड़िए, हमें क्यों मारा? हम तो निर्दोष थे, जिसने क्राइम किया आप उसको पकड़िए। बाकी में पीड़ित है बेचारे।